आप सभी को इस प्रातः वेला में ब्रह्म वेला में ब्रिज मोहन योग केंद्र आरा भोजपुर के ओर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करते हुए आज प्राणायाम योग ध्यान आसन की शुरुआत हम वैदिक मंत्रों के द्वारा प्रारंभ करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सिद्धासन में बैठ जाते हैं। दोनों हथेलियों को ध्यान मुद्रा में लगा करके मेरुदंड को सीधा रखते हुए गर्दन भी सीधी हो जाए, ईश्वरीय सत्ता को नमन करते हुए, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा सूक्ष्म रूप में विराटता के साथ हर जगह उपलब्ध है, हमें केवल उससे जुड़ने का प्रयास करना है। तो आइए इस योग के मार्ग को अपने पूर्वजों के द्वारा पूर्णतम साइंटिफिक तरीके से आविष्कार किए हुए इस परंपरा, इस धरोहर को अपने जीवन में भी अपनाएं और अपने आने वाली पीढ़ियों और समाज के एक एक व्यक्ति के अंदर में योग के महत्व को, योग की महिमा का गुणगान करते हुए इसे पहुंचाने का संकल्प लेकर के 3 बार लंबे गहरे सांसों के साथ ओंकार का उच्चारण करेंगे, फिर गायत्री आदि मंत्रों का जाप करते हुए आज इस दिव्य योग यात्रा की हम शुरुआत करेंगे। तो आइए एक साथ सांस भरते हैं। स्नान करने का बहुत ही विहंगम भाव रखते हुए सांसों को भरने का काम शुरू करते हैं। धीरे धीरे
आज सामान्य गति का ही अभ्यास हम मात्र 3 मिनट करेंगे। सांस को धीरे धीरे जितना हो सके आप भरिए, क्योंकि प्राणों की आराधना जैसा इस संसार में सृष्टि में दूसरा कोई इतना पवित्र पूजा पद्धति नहीं है, क्योंकि यह हमें जीवन दे रहा है। खूब सांस भरिए, अपने डायफ्राम को, अपने सीने को, अपने छाती को फूलने दीजिए बैलून की तरह। सांस इतना भरिए कि बैठे हुए अवस्था में जो आपकी या हमारी केहूनी मुड़ी हुई है, सांस भरते हुए केहूनी सीधी हो जाए, डायफ्राम ऊपर की तरफ और साइड में दोनों तरफ फैलता हुआ, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, योग माया के प्रति, क्योंकि योग माया पूरी दुनिया पूरी सृष्टि हमारे जैसे इस धराधाम पर जल में थल में नभ में रहने वाले करोड़ों जीव जंतु हैं, करोड़ों योनियां हैं, उन सभी को अपना नेतृत्व दे रही हैं। हम मानव इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि मनुष्य को लगता है कि यह धरती यह जल थल नभ केवल और केवल भगवान ने आदमियों के लिए ही बनाया है, यहीं पर मनुष्य मात खा जाता है। सांस पूरा भरी, हमारे जैसे अनेकों असंख्य जीव जंतु हैं जो परमात्मा के प्रिय हैं, और हम नदी नाले पेड़ पौधे जीव जंतु सबको मार मार कर हटा हटा कर और अपनी सुख सुविधा के लिए इस व्यवस्था को, इस प्रवृत्ति को, इस प्रकृति को नष्ट करने की ओर यात्रा लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। इसीलिए खूब सांस लंबा भरी। दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए ना कोई स्कूल है, ना उनके लिए कोई अस्पताल है, ना उनके लिए कोई हमारे जैसा घर है। सब प्रकृति के सानिध्य में हैं और उन्हें ना कभी डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है, ना कभी शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो परमात्मा को ही अपना वैद्य, परमात्मा को ही अपना गुरु मान रखा है और आसमान को अपना छत और धरती को अपना बिस्तर बना रखा है। इसलिए वो सबसे ज़्यादा सुखी हैं और हम सबसे ज़्यादा दुखी हैं। खूब सांस भरी 2 मिनट और। हम बचपन से जब से होश संभाले और मरते समय तक पढ़ते जा रहे हैं, फिर भी हमें ज्ञान नहीं मिल रहा है। मनुष्य से ज्यादा मूर्ख इस धरती पर कोई जीव जंतु नहीं है। गधा जिसे कहते हैं, गधा, गधा जैसा प्राणी यदि भगवान ने उसको ज्ञान देकर के भेजा है कि उसे घास खाना है, तो जिंदगी भर वो घास खाएगा, कीड़ा मकोड़ा या मांस नहीं खा सकता है। बकरी एकदम कमजोर प्रजाति, भगवान ने यदि उसे समझा करके भेज दिया धरती पर कि तुमको बस शाकाहारी ही रहना है, तो बकरी जैसा प्राणी, गधा जैसा प्राणी कभी मांस या मदिरा या गलत रास्ते की तरफ एक बार भी नहीं जाता। और हम मनुष्य जो सबसे ज्यादा ज्ञानी, सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा चेतना, सबसे ज्यादा अपने को साइंटिफिक, अपने को विकसित प्राणी मानते हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। भगवान जो समझा करके भेजा है शाकाहारी हम जीव हैं मूलतः, लेकिन हम
क्या क्या नहीं कर रहे हैं जिसका भोग हम भोगते हैं पूरा जीवन। लंबा सांस भरिए। इसलिए आप संकल्प लीजिए कि परमात्मा ने जिस काम के लिए हमें भेजा है, जिस रास्ते पे चलने के लिए भेजा है, वही रास्ता अपनाएं और हम दूसरे से नहीं, हम गधा से सीखें, हम बकरी से सीखें, तो हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारी आदतें बदल जाएगी, हमारे सोच बदल जाएंगे। तो आइए भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद कपालभाति का अभ्यास 5 मिनट करना है, धीरे धीरे शुरू करिए। पांच मिनट तक एक बार भी अपने नयन को, अपने नेत्रों को नहीं खोलिए। अपने को देखिए, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्म अवलोकन। सुबह जगने से लेकर रात्रि को शयन करने तक, यहां तक कि सपने में भी हम क्या क्या नहीं खेल खेलते हैं, ये परमात्मा सब देख रहा है, जान रहा है। इसीलिए भजन कहता है, हम सब खेल खिलौने उसके, खेल रहा करता रे। पूर्णतः आध्यात्मिक भाव में कपालभाति करें। ये कोई एक्सरसाइज और व्यायाम नहीं है, ये पूरे शरीर के सिस्टम को, शरीर के सारे अंगों को बैलेंस करने वाला, उसे शक्ति प्रदान करने वाला और एक एक रोगों को नष्ट करने की शक्ति है कपालभाति में। सुबह सुबह मैं ज्यादा बीमारी का नाम लेना नहीं चाहता हूं। और परमात्मा की कृपा हम सब के ऊपर लगातार बनी रहती है कपालभाति करने से, क्योंकि परमात्मा समझ जाते हैं कि अब यह व्यक्ति सफाई में लग गया, सारे टॉक्सिन्स, शरीर डिटॉक्स हो रहा है। आराम आराम से करिए, एक एक चीज को छोड़िए। खैनी छूट रहा है, जब कपालभाति मारिए तो लगा कि खैनी फेंका गया। जब कपालभाति के स्ट्रोक लगाइए, सांस फेंकिए, तो लगे कि अंदर से ब्लड प्रेशर बैलेंस हो गया, हाई बीपी खत्म। पांच मिनट में 300 बार लगेगा स्ट्रोक। कहीं ध्यान मत ले जाइएगा, न घर पे, न दरवाजे पर, न नौकरी चाकरी, पैसा धन दौलत बाल बच्चे कहीं पर नहीं, सीधे और सीधे परमात्मा की ओर, क्योंकि प्राण ही परमेश्वर है। अब इससे ज्यादा साक्षात दर्शन क्या हो रहा है हम सबको, हम अभी भी नहीं समझ पाते हैं। परमात्मा को खोजते फिरते इधर उधर, वो मिलेगा थोड़े ऐसे, वो तो सांसों के साथ जुड़ा हुआ है, वो तो प्राणों के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए नाम रखा गया प्राणेश्वर, प्राणपति, हे प्राणनाथ। अपने पिछले जीवन के लंबे काल में आज जैसी शुद्धता दोबारा हमने महसूस नहीं किया, ऐसा मन में सोची। लग रहा है कि हमको छठ व्रत की शुद्धता, नवरात्रि की शुद्धता, बड़े बड़े व्रतों की शुद्धता आज मैं धारण कर रहा हूं, ऐसा मन में भाव ले आई है। एक नया जीवन, नए जीवन की शुरुआत,
शुरू करिए। बसंत का महीना चल रहा है, फागुन का महीना प्रारंभ हो गया है। चारों तरफ पतझड़ का भाव, सारे पुराने पत्ते, सारे पेड़ पौधे अपने तने के पुराने छिलकों को अपने से दूर हटा रहे हैं और थोड़े ही दिनों में सारे पेड़ पौधों में, लता लतिकाओं में नए नए पल्लव, फिर नए नए पुष्प, फिर फल फूल से लद जाएंगे। प्रकृति यानी जो ऋतुएं हैं उसमें सबसे ऋतुराज कहा गया है बसंत को, और ऐसे में यदि योग और प्राणायाम हो रहा है तो इससे ज्यादा गौरव, इससे ज्यादा लाभ, इससे ज्यादा पुण्य जिंदगी में दोबारा कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए यह महीना पुण्यदायी है, खूब करिए कपालभाति। अपने पुराने आवरण को, खोल को, चादर को फेंक दीजिए, फिर भजन कह रहा है, मैली चादर ओढ़ के मैं द्वार कैसे तेरे आऊं प्रभु, मुझे तो शर्म आ रही है, मन ही मन मैं शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। ऐसा मन में भाव रखकर कपाल भाति करिए। एक बार गलती को हमने त्याग दिया, छोड़ दिया, उसे दोबारा धारण ना करें। जो काम नहीं करना चाहिए वही हो रहा है। भाई भाई में प्रेम होना चाहिए, भरत जैसा। एक ही माँ के कोख से हम जन्म लिए, एक साथ हमने माँ का दूध पिया, एक साथ हमने खेला, बड़ा हुआ। और जो भाई को संग गले लगा के रखना चाहिए था, उस भाई को हमने छोड़ दिया, उस बहन को छोड़ दिया, उस परिवार को छोड़ दिया। जिसका संग नहीं करना चाहिए था कुसंग का, उसका हम संग कर रहे हैं। खैनी खा रहे हैं, बीड़ी खा रहे हैं, तम्बाकू ले रहे हैं, मीट मछली अंडा खा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। बहुत अद्भुत भाव में कपाल भाति का अभ्यास लगभग 4-4.5 मिनट का हुआ है। 1 मिनट और करिए, 60 बार गिन करके स्ट्रोक लगाइए, 60 गलतियों को त्यागिए। एक स्ट्रोक एक गलती के लिए काफी है, क्योंकि जो गलती हम करते हैं वो हम सब याद है, हम सबको, उसे अलग से कोई बताने की आवश्यकता नहीं है किसी। धो डालो मन की चादर को, लगे हैं इसमें सारे दाग। आज धो डालिए अपने मैली चादर को, जीवन रूपी। बैठे रहिए बिल्कुल उसी भाव में। 3 घंटा 3.5 घंटा एक ही आसन में बैठने की शक्ति, बैठने की परंपरा, बैठने की आदत डालिए, तब जाकर के आपका आसन सिद्ध होगा। उछल कूद वाला अभ्यास नहीं करवाते हैं। धीरे धीरे शक्ति ले आइए, अपने को थोड़ा संभालिए। अब अनुलोम विलोम 5 मिनट करिए, सीधे वहीं से ट्रांसफर हो जाइए अनुलोम विलोम में। आंख बंद, पैर इसी तरह से भर रहा है तो थोड़ा अनुभव करिए कि कहाँ कहाँ तकलीफ है, कहाँ कहाँ नसें खींच रही है। साउंड को जरा हल्का कीजिए। गुरु जी
ही मन ओंकार का उच्चारण, गायत्री मंत्रों का जाप, ओम ऊर्ध्वस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं वहन्तिनः मृत्योर्मुक्षीयमापिता। इन महामंत्रों का मानसिक जाप करते हुए अनुलोम विलोम करिए, लाभ तो 5 मिनट में ही मिलने लगता है, 5 बरस की आवश्यकता नहीं है। कीड़ा पिघला और सुनना तीनों नाड़ियों को जागृत करने वाला यहाँ अनुलोम विलोम परम सिद्ध प्राणायाम है, सिद्ध किया हुआ है, इसमें कोई अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ही मौन निरवता का अनुभव चंद्रमा की तरह शीतलता, सूर्य की तरह उष्णता, धरती की तरह धैर्य, आकाश की तरह विराट। अभी 2 मिनट हुआ है, 3 मिनट और। शरीर आपका मूर्तिबद्ध हो, मूर्ति जैसा। अंग संग प्रेम चांद और चकोर जैसा, दूध और घी जैसा, दीपक और पतंगे जैसा, दूध और पानी जैसा। दूध और पानी में इतना प्रेम होता है, लगातार करते रहिए कि दूध को जब गर्म करिएगा, दूध जब सूखने लगता है तो पानी खूब लंबा गहरा सांस भरी। एक दूसरे को बचाने के लिए लगे रहते हैं, एक जब सूखेगा तो दूसरा उसमें उफान आएगा, उबाल आएगा, और चूल्हे को ही बुझाने की यात्रा शुरू कर दे। फूल लंबा कीजिए, लंग्स को मजबूत करने वाला, आपके हृदय को शक्तिमान बनाने वाला, जोर जोर की दर्द गठिया के लिए तो राम माने, यदि ज्यादा घंटा 1 घंटा किया जाए कैंसर, जो व्यक्ति शक्तिहीन महसूस कर रहा है उसे शक्तिमान, शक्ति देने वाला प्यास।
जिस व्यक्ति के अंदर ऑक्सीजन का लेवल घट रहा है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने वाला है। शिवोहम शिवोहम का मानसिक जाप करें। ब्रह्म भाव में जीने का प्रतिपल संकल्प लेके 24 घंटा हम ईश्वरीय भाव में मध्यम गति में आ जाए, सांस भरते छोड़ते समय थोड़ी आवाज आए। चदरिया जी मेरे जी में जीवन रूपी चादर की बुनाई हो रही है। विराह पिघला की ताना भरने सुखमन दार से भी चदरिया चदरिया जी मेरे जी में ओ लंबा आभा भी मधुरता के साथ कर्कश कर्कश आवाज में जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छोड़ा मैं। इस अभ्यास को कम से कम 15 मिनट किया जाता है तभी जाकर के आपको लाभ मिलेगा। पाँच मिनट के बाद तो ये शुरू होता है, मन लगता है, मन केंद्रित होता है। स्नान करिए, बाया नाक से सांस भर रहे हैं तो शरीर को ठंडा, दाहिना से भर रहे तो शरीर को गर्मी, यानी सर्दी और गर्मी, ठंडा और गर्म दोनों का समान समावेश हो रहा है, संगम हो रहा है। बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे, मन का आंगन नहीं बुहारा कैसे आए। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, एक एक अंतरा भजन का सुन करके आंख बंद रखिए और दोनों हाथों को नीचे कर लीजिए ध्यान मुद्रा में, मेरुदंड को सीधा करिए और 5 बार उद्गीत प्राणायाम ओंकार का उच्चारण करेंगे। तो आइए प्रेम पूर्वक सांस भरिए।
11 बार भ्रामरी प्राणायाम करिए मधुर आवाज में। दोनों अंगूठा को कान के ढक्कन पर लगाइए, तर्जनी को ललाट कर रखिए, तीनों उंगलियों को मोड़ कर रखिए। जो तर्जनी रखे हैं जहाँ चंदन टीका लगाते हैं वहाँ मनस चक्र है, आज्ञा चक्र है, उसी मनस चक्र पर ध्यान लगाइए। वहीं पर शंकर भगवान वाला त्रिनेत्र है, बंद आँख करते हैं तो वहीं से दिखाई पड़ती है। तो भाई केवनी को खोलिए पूरा और वोट धीरे से सटा करके सांस भरिए। बंद रखिए, हाथ को नीचे ले ध्यान मुद्रा में और एक मिनट मौन। प्राणायाम के क्रम में आठवां अभ्यास है, इसे प्रणव प्राणायाम कहते हैं। बिल्कुल शांत, इसमें प्राण 20 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक लिया जाता है, अति सूक्ष्म। बंद आँखों के द्वारा ऐसा लग रहा है कि हमारे मस्तिष्क में ही सूरज भगवान उभरे हुए हैं, दिया जल रहे हैं, चंद्रमा दिखाई दे रहा है। जैसे हम लगता है कि तारा मंडल में बैठे हुए हैं। अब यहीं पर प्रणव यानी उस परमात्मा का ध्यान करते हैं। बहुत ही उच्च स्तरीय अभ्यास होता है, क्योंकि अभी तो हम लोगों की सांस लेने की क्षमता ही 5 सेकंड 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं है, कम से कम 20 सेकंड से शुरू होता ही है अभ्यास। एक बार गिन कर देख लीजिए तो अधिकतर देर सांस कहाँ तक पहुँच रहे हैं आप।
इतना तक मैंने लेते रहा, 30 सेकंड हुआ, फिर धीरे धीरे छोड़िए। जैसे पारा सूट गिरता है वैसे ही धीरे धीरे लगेगा कि सांस छूट रहा है। इसे 1 मिनट कम से कम किया जाता है, नहीं तो 5 सेकंड, 5 मिनट, 10 मिनट भी इस अभ्यास को करने से एकदम योग निद्रा जैसा लाभ, समासन जैसा लाभ, मानसिक बीमारियों के लिए तो यह प्रणव प्राणायाम बहुत लाभकारी है। माइग्रेन हो, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, उनके लिए तो अमृत है अमृत। जो नींद की गोली खाते हैं, अनिद्रा की बीमारी है, लीवर फैटी लीवर के लिए, किडनी की बीमारी के लिए तो अमृत अत्यंत लाभकारी, रिलैक्स करता है मन को, शरीर को, आंखों को। तो आइए दोनों हाथों को एक बार ऊपर उठाइए और आपस में 8-10 बार धीरे धीरे रगड़ते रगड़ते, जब हाथे भी गर्म होने लगे फिर अपनी आंखों पर एक बार मुखमंडल पर लगाइए और सहला दीजिए पूरे ललाट को, माथे को, फिर शरीर को एक बार टच करिए ऐसे स्पर्श करके, धीरे धीरे अपने आंखों को आंखों पर खोलने के लिए 8-10 सेकंड लगाइएगा। और आगे ध्यान यदि आपका बढ़िया लगा होगा तो आंख खोलने की इच्छा ही नहीं होगी, लगेगा कि और स्पान करें, हम भी पान करें, फिर भी अगले अभ्यास को बढ़ना है तो धीरे धीरे आंखों को खोलना है, पैरों को भी खोलिए। एक बार बैठा यदि भस्त्रिका में तो एक के बाद प्रणव प्राणायाम के बाद ही इसको छोड़ा जाता है, ये हुआ योग की असली विधि। वो जीवित शिविर वाला नहीं करना है, लेकिन थोड़ा समस्या है बीच बीच में हम लोग परिवर्तित करते रहते हैं, लेकिन आप देखें कि सभी लोग पुराने साधक हैं तो थोड़ा इसको तरीके से हम लोग की। पैर से भी कर लेंगे, सांस भरते रहेंगे छोड़ते रहेंगे। मिल करके अभ्यास करते हैं इसको,
इसी प्रकार धीरे धीरे बटरफ्लाई घुटने को नीचे मारी। हाँ, घुमाते रहिए इसको। जब ये वाला हो जाए तो दोनों पैरों को घुटने को पकड़ करके और आपस में सटाइए और उसे नीचे गिराइए एक साथ। हाँ, बहुत अच्छा। घुटने को पकड़ लीजिए और नीचे गिराइए। दस बार गिन करके कर लीजिए। तो आप सभी एक बार ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर करेंगे। धन्यवाद।